तो आज की वीडियो में हम टेस्ट करने वाले हैं YCT Definitive Edition 3200GB विथ 8GB सिंगल चैनल रैम एंड सैन एंड्रियास एंड GTA 3 की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड होगी एंड ये भी अपलोड हो चुकी होगी, तो आप तीनों को चेकआउट कर लेना। एंड अभी मैं सेटिंग्स दिखा देता हूँ, एंड यार चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड आप सेटिंग पॉज करके देख सकते हो, क्योंकि मैं एक एक बता नहीं रहूँगा तो कुछ ज़्यादा ही लेट हो जाएगा, तो आप पॉज करके देख लेना। एंड सभी जो सेटिंग्स है वो है मीडियम एंड लो मिक्स में रखा है, एंड सही है, ऑडियो भी ऑफ रखा है मैंने, एंड बस सही है। तो गेम स्टार्ट करते हैं एंड FPS इधर शो कर रहा है, एंड ये शायद हम थंबनेल में यूज़ कर लेंगे क्योंकि सही लगता है। इसे फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा, एक पोस्टर में ही गेम लोड होगी। हाँ तो गेम भी स्टार्ट हो चुकी है एंड थोड़े बहुत लेग के साथ गेम स्टार्ट होगी। ये हमारा स्कूटर लेजेंडरी वाला, तो इसको उठाया पीछे किया चले, लेकिन इसकी आवाज़ मेरे कान पर आएगी क्योंकि मैं ऑलरेडी खेल चुका हूँ 329 एंड हाँ ग्राफिक्स तो सही लग रहे हैं मुझे। एनिमेशन थोड़ा इम्प्रूव कर दिया होता तो सही रहता, सिर्फ कोई गेम प्ले ग्राफिक्स इम्प्रूव करने से कुछ नहीं होता। लाइटिंग इम्प्रूव है तो सेम 24 FPS, इसमें भाई 25 मिल रहे हैं, शायद ये नाइट टाइम की वजह से हो रहा है कुछ हो रहा है मुझे नहीं पता। बाइक चाहिए, बाइक कहाँ है, तो स्कूटर प्लेबल है, इतनी भी टट्टी नहीं है प्लेबल, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ इतने ही ज़्यादा मुझे ग्राफिक्स में बहुत डिफरेंस नहीं लग रहा है, इससे अच्छा तो GTFI लगती है मुझे। एंड उसमें अगर थोड़े ग्राफिक्स डाल देंगे फिर भी वो जल जाती है हाई सेटिंग्स के अराउंड, तो ये भाई क्या ही बात होगी। ये तो पूरी लो सेटिंग है, मीडियम सेटिंग में भी 28-25 ऐसे मिल रहा है, तो भाई क्या भाई क्या चल रहा है उसमें। सिटी में घूमो चाहे कितनी भी पब्लिक क्यों ना हो, चाहे कितनी भी गाड़ियाँ क्यों ना हो, चाहे मॉडर्न गाड़ी डाल दो चल तो जाती है, इसमें आपकी इतना क्या है। तो भाई मिशन वाले एरिया पे एंड भाई लेजेंडरी वाला, ये क्या बोलते हैं उसको, मेंशन है ना, मेंशन नहीं है। तो अंदर जाते हुए एंड जो ये ब्लैक स्क्रीन आती है उसको तो कर देना था, मुझे ये पसंद नहीं है। एंड भाई क्वालिटी ग्रास की भी सही है, टेक्सचर भी एकदम सही है, रिफ्लेक्शन तो भी मैंने लॉक भी रखा है। एंड भाई इतने FPS बाहर मिल जाते तो मज़ा आ जाता, लेकिन अभी तो इतने FPS नहीं मिले। एंड ये कट सीन भी हम कट कर देंगे, ये सही है, ड्रग डीलिंग करना है। तो बाहर जो अपनी Lamborghini पड़ी है उसको उठाते हैं, तो अभी डे लाइट में अभी मजा आएगा, लेकिन भाई डे लाइट में तो कुछ ज़्यादा ही मिल रही है। 20 FPS पे चलाना आ जाएगा, 25 पे है अभी तो 25 सेम सभी में भाई सेम सेटिंग्स पे सेम FPS मिल रहे हैं। GTA 3 रिमास्टर्ड में भी यही आ रहा है, GTA San Andreas में भी वही सेम, इसमें भी वही सेम। नाइट टाइम पे थोड़े अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन भाई डे लाइट में तो 25 मिल जाते हैं, देखते ब्लास्ट मिल जाते हैं। बाइक चलाते हैं बाद में गेम करते हैं, कुछ तो सही है गेम प्ले, ग्रास भी अच्छी है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन लगा के मैं बैठा था वो फुलफिल नहीं कर पाया। तो गेम तो प्लेबल है, शायद 22-25 FPS आ रहे हैं, अगर आप एडजस्ट कर सकते हो तो कर लेना, एंड और लो पे भी चले जाओगे तो शायद अच्छे FPS मिल जाए 25+ या 28 के अराउंड। तो आप मतलब मुझे तो बिल्कुल लो पसंद नहीं है, क्योंकि भाई मतलब गेम की क्वालिटी चली जाएगी तो खेलने का क्या मतलब है। तो आप ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मतलब नेक्स्ट वीडियो 3 आने वाली है, एक साथ सैन एंड्रियास की भी
हो चुकी है शूट एंड अभी GTA 3 पे बना देने जा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करना एंड वो चेकआउट कर लेना दोनों को। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।